फ्रेंड्स, आई एम योर होस्ट अलका एंड यू आर वॉचिंग नेक्स्ट नाइन न्यूज। और नेक्स्ट नाइन न्यूज में मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड बस। बॉलीवुड बस में हम बात करते हैं उन खबरों के बारे में जिन्होंने बी टाउन में क्रिएट किया है बस। वेल, आज हम आपको बॉलीवुड बस में ऐसी तमाम खबरों के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसे सीक्रेट मैरिजेस के बारे में बताएंगे जहाँ बॉलीवुड गलियारों की वो गॉसिप बन चुकी है। अब चाहे वो सोनम कपूर हो, प्रियंका चोपड़ा हो या दीपिका रणवीर हो, जी हाँ, ये तमाम एक्ट्रेसेस हैं जिनकी शादी की खबरें बड़ी तेजी से वायरल हो रही हैं। सोनम कपूर की गुपचुप शादी, तो वही रणवीर दीपिका की गुपचुप शादी और साथ ही साथ प्रियंका मंगलसूत्र पहने स्पॉट की गई, वो सारी ही खबरें हम आपके लिए लाए हैं। लेकिन 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 हमारी टॉप ऑफ द न्यूज भी आप मिस मत करिएगा। बॉलीवुड बस की वो तमाम खबरें कि कैसे कौन कहां पर पैचअप कर रहा है, किसने किया ब्रेकअप, किस तरह से खुशी ने याद किया अपनी माँ श्रीदेवी को, वो सारी ही बातें हम अपनी इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। बॉलीवुड के चांदनी यानी कि श्रीदेवी हम सबके बीच नहीं रही, लेकिन उनके जाने से पूरे बॉलीवुड जगत के साथ साथ पूरे देश को एक बड़ा झटका लगा था। और साथ ही श्रीदेवी की बेटियां खुशी कपूर और जाह्नवी कपूर अपनी मां को खोने के गम से बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं। वहीं जाह्नवी इन दिनों अपनी डेब्यू फिल्म धड़क की शूटिंग में बिजी है, तो वहीं खुशी कपूर अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही हैं। और हाल ही में खुशी को एक रेस्टोरेंट से बाहर स्पॉट किया गया। बता दें, खुशी पिंक कलर की ड्रेस में नजर आ रही थी और काफी कूल लग रही थी। हालांकि मीडिया की नजरें उनके फोन पर गई, तो खुशी ने अपने फोन के स्क्रीन सेवर में माँ श्रीदेवी और अपनी बचपन की तस्वीर लगा रखी थी। बता दें, बचपन की तस्वीर में खुशी कपूर माँ श्रीदेवी के कंधे पर बैठी नजर आ रही है। ये ब्लैक एंड व्हाइट फोटो है। इसी के साथ आपको बता दें, खुशी कपूर की बड़ी बहन जाह्नवी कपूर ने अपनी माँ के निधन के बाद पहली बार अपनी फीलिंग सोशल मीडिया पर जाहिर की है। जाह्नवी ने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर लिखा, मेरे आसपास एक अजीब सा खालीपन है। मुझे पता है कि मुझे इस खालीपन के साथ जीना होगा। मेरे दोस्त हमेशा कहते हैं कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मुझे महसूस होता है कि यह आपकी वजह से ही है। मेरे लिए कोई समस्या बड़ी नहीं थी, क्योंकि मेरे पास आप थी। बॉलीवुड में आए दिन किसी न किसी की शादी की खबरें सामने आती ही रहती हैं। पहले अनुष्का शर्मा ने शादी करी और अब सोनम कपूर भी जल्दी शादी करने वाली हैं। वहीं दीपिका और रणवीर सिंह भी इस साल के आखिर तक शादी कर लेंगे। लेकिन अब इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा का नाम भी शामिल हो गया है। जी हाँ, देसी गर्ल प्रियंका चोपड़ा पिछले 2 साल से अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काफी बिजी हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक उनकी शादी की खबरें कैसे आने लगी, तो बता दें, हाल ही में प्रियंका चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने हाथ में मंगलसूत्र पहना हुआ है। और इस फोटो को देखकर ये सवाल उठ रहे हैं कि प्रियंका चोपड़ा ने गुपचुप तरीके से शादी तो नहीं कर ली, और अगर शादी कर ली है तो वो लड़का कौन है, और अगर शादी नहीं की तो प्रियंका चोपड़ा ने अपने हाथ में मंगलसूत्र क्यों पहना हुआ है। इस मंगलसूत्र की सच्चाई क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ दिन पहले ही प्रियंका ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी को लेकर बात करी थी। प्रियंका ने कहा था कि उनके लिए शादी और बच्चे एक बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे शादी और बच्चे करने में पूरा विश्वास है और मैं बहुत सारे बच्चे करना चाहती हूँ, अगर भगवान चाहे तो, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं किसके साथ करूंगी। वेल, अब प्रियंका चोपड़ा ने शादी कर ली है या फिर नहीं, ये तो प्रियंका चोपड़ा ही अच्छे से जानती होंगी। लेकिन फिलहाल तो सवाल यही उठ रहे हैं कि प्रियंका के हाथ में मंगलसूत्र क्यों है, क्या उन्होंने गुपचुप तरीके से शादी कर ली है या फिर ये एक फैशन है। बॉलीवुड के फैशन दीवा सोनम कपूर इन दिनों अपनी शादी को लेकर खूब सुर्खियों में बनी हुई हैं। और सोनम के साथ साथ बॉलीवुड के राम यानी कि रणवीर सिंह और उनकी लीला यानी कि दीपिका पादुकोण की शादी को लेकर भी काफी खबरें सामने आ रही हैं। खबरों की माने तो दोनों की शादी की तैयारियां इनके बेंगलुरु और मुंबई वाले घर पर शुरू हो चुकी हैं। हालांकि दोनों की जिंदगी के सबसे खास दिन के लिए अभी इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को चुने जाने की तैयारियां जोरों पर हैं। यहाँ तक कि शादी के लिए वेडिंग प्लानर भी चुन लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ खबरें ये भी आ रही हैं कि दीपिका और रणवीर दोनों ही लंबी गेस्ट लिस्ट या शाही अंदाज के मूड में शादी करने में बिल्कुल भी नहीं है। वैसे आपको बता दें, दीपिका पादुकोण ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये बात कही थी कि वो अब खुद को वर्किंग वाइफ के तौर पर देख सकती हैं। इसके अलावा अपने इंटरव्यू के दौरान भी दीपिका रणवीर की तारीफ करते नहीं थक रही थी। नेहा धूपिया के शो वॉग में दीपिका ने यहाँ तक कह दिया था कि उनके मुताबिक रणवीर सिंह बेस्ट किसर है। वेल, आपको बता दें, सोनम के साथ साथ इन दोनों के फैंस भी इनकी शादी का काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और अब देखना ये है कि ये दोनों कब और किस दिन शादी करते हैं।
बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता आमिर खान की शोहरत आज सारी दुनिया में फैली है। अपनी फिल्म में वो जिस तरह से स्टोरी लेकर आते हैं, हमेशा ही उनकी फिल्म दर्शकों को खूब भाती है। बता दे आप सभी को कि आमिर खान अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा ही चर्चाओं में रहे, लेकिन एक समय पर वो तब खबरों में आए जब उन्होंने सरेआम ही अपनी पत्नी किरण राव को किस कर दिया था। जी हाँ दोस्तों, उनकी ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही थी। उनके कुछ फैंस जहाँ उनकी हर फोटो को पसंद करते हैं, तो वहीं कुछ ऐसे हैं जो उनको ट्रोल करने से नहीं बचते। बता दे कि आमिर खान ने जब सरेआम ही अपनी पत्नी को लिप लॉक किया था, तो वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए थे। हर कहीं उनकी यही तस्वीर वायरल हो रही थी। वेल, बात करें इसके अलावा तो बता दे कि आमिर खान की फिल्मों का उनके फैंस बेसब्री से इंतजार करते हैं। हाल ही में वो अपनी फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान को लेकर खबरों में हैं, जिसमें एक अलग ही किरदार में नजर आने वाले हैं आमिर खान। बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर रविवार को अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट पर लंच करने पहुंची। उन्होंने पिंक कलर का वन पीस पहन रखा था। वो बहुत ही ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही थी। खुशी की ड्रेस समर के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी। बता दें खुशी का फैशन सेंस कमाल का माना जाता है। वहीं खुशी का पिंक कलर का गाउन सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है। उनकी बड़ी बहन जाह्नवी भी स्टाइल के मामले में किसी से कम नहीं। जी हाँ, जहाँ एक तरफ जाह्नवी का स्टाइल पसंद किया जाता है, वहीं अब खुशी भी स्टाइल के मामले में अपनी बहन को टक्कर देती हुई नजर आ रही हैं। बता दें कि खुशी ने हाल ही में अपने स्कूल की प्रॉम नाइट में गाउन पहना था, जिसकी वजह से वो चर्चाओं में आई थी, जहां उनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई थी। खुशी कपूर की तस्वीरें आप हमारी इस रिपोर्ट में देख पा रहे होंगे कि खुशी कपूर कितनी ही ग्लैमरस लग रही हैं। इस दौरान उनकी फ्रेंड भी उनके साथ नजर आई थी। टीवी की फेमस बहू और एशिया की सबसे सेक्सी महिलाओं में से एक निया शर्मा इन दिनों अपने बोल्ड और हॉट अंदाज की वजह से जानी जाती हैं। वहीं हाल ही में उनकी वेब सीरीज ट्विस्टेड 2 भी रिलीज की जा चुकी है, जिसमें निया काफी हॉट और इंटीमेट सीन्स देती दिखाई दी और फैंस निया की इस वेब सीरीज को काफी पसंद भी करते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ निया को सोशल मीडिया पर आए दिन ट्रॉलर्स का भी सामना करना पड़ता है और एक बार फिर से निया शर्मा भद्दी तरह ट्रॉल हो गई है। जी हाँ, आपको बता दें निया शर्मा आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी कुछ सिजलिंग फोटोज शेयर करती ही रहती हैं। और हाल ही में निया ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की। इस तस्वीर में निया ने ब्लू कलर की लिपस्टिक लगाई हुई है, जो देखने वालों को बहुत ज्यादा अटपटी लगी। इसको लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने निया को काफी कुछ कहना शुरू कर दिया। जानकारी के लिए बता दें निया हमेशा अपने परफेक्ट ड्रेसिंग सेंस और मेकअप के लिए जानी जाती हैं। वहीं इस बार निया इंस्टाग्राम पर अपनी अलग कलर की लिपस्टिक फोटो पर लगाकर ट्रॉल हो गई हैं। ब्लू कलर की लिपस्टिक के साथ निया ने अपनी दो तस्वीरें शेयर की। निया ने इस तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, थोड़ा रुकिए, यहाँ और भी है, #glitterflipflipsticks वीडियो शूट। बता दें इन तस्वीरों को देखने के बाद एक यूजर ने इंस्टाग्राम पर निया की तस्वीर पर कमेंट करते हुए लिखा, तुम्हें देखकर मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ, तुमसे ठीक तो चुड़ैल लगती है। वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, माँ खराब लग रही हो, निया जी बहुत बुरा कलर है। वेल, तो देखा आप सभी ने कि बी टाउन की गलियारों में कई ऐसी बातें हैं, चटपटी गॉसिप हैं जो बाहर निकल कर आती हैं। कुछ अच्छी खबरें तो कुछ ऐसी खबरें जो उनके फैंस के लिए शॉकिंग होती हैं, लेकिन बी टाउन में अक्सर आपको इस तरह की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। कहीं ब्रेकअप होता है, कहीं पैचअप होता है, किसी का किसी से झगड़ा होता है, तो कहीं दुश्मनी दोस्ती में बदलती है, दोस्ती दुश्मनी में बदलती है। ये सारी ही खबरें हम आपके लिए लाते हैं लगातार बार बार, और आप हमसे जुड़े रहिए। और अगर आप किसी सेलिब्रिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कमेंट करके बताएं, देन उस सेलिब्रिटी के बारे में हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ आप हमें मेल कर सकते हैं nextmynewscomment@gmail.com पर मेल करें अपना नेम, नंबर और मैसेज, और वो मैसेज हम इस प्रोग्राम में शेयर करेंगे। लेकिन साथ ही साथ तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, क्योंकि कल फिर आऊंगी और चटपटी गॉसिप लेकर आऊंगी, जहां आपसे मैं रूबरू करवाऊंगी, क्योंकि चटपटी गॉसिप आपको नेक्स्ट टाइम न्यूज में हमेशा ही देखने को मिलेगी। बी टाउन की गलियारों की वो बातें जो हमसे कभी मिस नहीं होती, और वो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। जी हाँ, लेकिन तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब Subscribe and press the bell icon for latest updates.